जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास होता है आलू। तो चलिए अब बनाना करते हैं चालू। तो बात कुछ इस तरह की थी कि सबसे पहले बनाया गया चिली चिकन। आपको पता है कि चिल्ली पोटैटो बना कैसे? देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, चिली चिकन था, चिल्ली पोटैटो नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जैसे आपको मालूम है और आपने खा भी रखा होगा कि बहुत सारे स्पाइसेस और थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बनता है। बट क्या हुआ, कुछ वक्त बाद ना चिकन को रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पर लेकर आए आलू, और ये बन गया हमारा चिल्ली पोटैटो, जो अभी हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और लोग चाहे शादी पार्टी हर जगह इसको एक स्टार्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। मगर ये जो हमारा चिली पोटैटो है ये आया कहाँ से, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो चिली पोटैटो जो है वो हमारा एक इंडो चाइनीज स्टार्टर है। और चिली पोटैटो को हमेशा जब भी बनाया जाता है बिल्कुल कुरकुरे क्रिस्पी वाले जो आलू होते हैं ना उसके साथ बनाया जाता है। इसका मतलब है कि आलू को आपने इतनी अच्छी तरीके से फ्राई करना है, अगर हम कहें कि तेल में उसे तलना है कि बिल्कुल वो कुरकुरे हो जाए, ठीक है। फिर उसमें हमें क्या करना होता है, बहुत सारी सॉसेस, जितनी भी आपके किचन में फ्रिज में जितनी भी सॉसेस पड़ी है ना आप सब डाल दें, जितना वो चटपटा होगा उतना ज़्यादा आपको लजीज लगेगा खाने में। तो उसका टेस्ट कैसा होता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि जिसे बिल्कुल खट्टे मीठे तीखे और हल्का सा ना मीठा भी होता है वो, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे शुगर वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमारे जो टोमेटो कैचअप है सिर्फ उसका यूज़ करेंगे। बस इतने सारे आपको मसाले उसमें डालने हैं। बट इसमें क्या होता था कि ये इतना चटपटा कैसे बना, जो हमारे इंडियन है वो कुछ अपने मसाले डाल देते हैं और जो चाइनीज है वो अपने मसाले डाल देते हैं। वेजिटेबल्स भी यहाँ तक आपको इंडियन और चाइनीज वेजिटेबल का आपको यहाँ पे मिक्सचर सा मिलेगा, दोनों वेजिटेबल्स डाली जाती है। फिर बात करते हैं कि ये किस किस तरह से मिलता है। तो हमेशा आप चिली पोटैटो जहाँ का भी खाएंगे ना अलग अलग जगह का, तो उसकी सॉस में उसके मसाले में उसकी सीजनिंग में आपको ना हमेशा डिफरेंस दिखेगा, उसकी ग्रेवी में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। कहीं पर आप देखेंगे ना बिल्कुल ड्राई वाला चिली पोटैटो होगा आपका, कहीं पर आप देखेंगे थोड़ा ग्रेवी वाला होगा, कहीं पर बिल्कुल ऐसे मिड लेवल का होगा। बस तो भाई बातों बातों में यहाँ पर तो मैंने अपना चिल्ली पोटैटो बना के कर लिया है रेडी, और आप भी अगर खाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। और अगर वीडियो आपको वाकई बहुत ही अच्छी लग गई तो आप इसको जरा शेयर भी कर दें।